Hello friends, I'm Dr. Shuchita Batra. I'm a consultant gynecologist at Ludhiana Gastro and Gyne Center. आज हम लोग बात करेंगे ओवेरियन टेराटोमा के बारे में. टेराटोमा वैसे तो बहुत सारी जगहों पर हो सकता है जहाँ पर भी प्लूरिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट टुडे वील बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द ओवेरियन टेराटोमा. ओवेरियन टेराटोमा जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी आइदर द मेच्योर और इमेच्योर. मेच्योर वाला यूजुअली इट इज बिनाइन, मतलब नॉन कैंसरस होता है, बट द इमेच्योर इट कैरीज अ हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल. उसके कैंसर में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. नाउ व्हाट इज अ टेराटोमा? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. देर इज अ सेल लाइन दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. उससे हमारी बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. सो बिकॉज इट हैज गॉट ऑल द थ्री लेयर्स, सो इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट होगा इट विल बी लाइक हेयर, इट विल बी टीथ, इट विल बी सेबेशियस कंटेंट, cartilage can be there. So these are mostly the contents. Now mostly it's a problem of the young age. Approximately it can start from anywhere around 8 to 10 years, but mostly it is going to be there in the age group of 20 to 40 years. And कुछ केसेस में 10-15% केसेस में दोनों साइड पर टेराटोमा हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में ये यूनिलेटरल हो सकता है. मेलिग्नेंसी के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 1% होते हैं. मोस्टली इट इज अ नॉन मेलिग्नेंट थिंग. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? कैसे पता चलेगा कि टेराटोमा है? तो टेराटोमाज आर मेनली एसिम्टोमैटिक, पता ही नहीं चलेगा. ऑल्दो दे आर बिनाइन, दैट इज व्हाई दे ग्रो एट अ वेरी वेरी स्लो रेट पर ईयर. इंसिडेंटली पता चल सकता है किसी और रीजन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, ओवरी में टेराटोमा के बारे में पता चला, यूजुअली विद द स्मॉलर टेराटोमास. बट मोर देन 5 सेंटीमीटर वाले जो टेराटोमास होते हैं दे कैन गिव यू सिम्टम्स. द सिम्टम्स कैन बी देर कैन बी पेन, इट्स गोना हैव अ डल पेन, देर कैन बी अ मास. पेट में हाथ रखेंगे तो यू माइट बी एबल टू फील अ लम्प, अ मास. इट कैन कॉज अदर सिम्टम्स लाइक GI tract पे अगर कोई rectum पे press upon करेगा वहाँ पर, it can be pain at the time of passing stool या constipation हो सकता है. urinary bladder पे करेगा तो there will be increased frequency of urination. बहुत ही कम cases में menses की irregularity कर सकता है ये. और in case अगर ये बहुत ही fast growing है, मतलब कुछ time पहले जब scan करवाया था 5 सेंटीमीटर का था, within 2-3 months करवाया 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर का हो गया है, वेट लॉस हो रहा है या खाना नहीं खाया जा रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, देन देर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड दैट इट इज अ मेलिग्नेंट टेराटोमा. नाउ हाउ डू वी डायग्नोज इट? मेनली इट्स डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड. अगर उसमें कोई टीथ या हेयर का कॉम्पोनेंट दिख जाता है देन इट्स अ श्योर श्योर डायग्नोसिस. अदरवाइज इसमें मोस्टली सेबेशियस कंटेंट होता है विच इज फैटी. देन वी कैन गो फॉर CT और MRI ऑल्सो इन केस अगर कोई डाउट है, specifically when we have to operate the patient. And then there is, ideally there is no role of tumor markers, but we always get the tumor markers done because they should all be negative prior to the surgery. Agar surgery se pehle ye positive hote hain then there are chances ki kisi aur tarike ka germ cell tumor bhi nikal sakta hai. Then what are the treatment options? Agar teratoma chota hai, approximately 3-4 centimeter, then we leave it as such. But if it is more than 5 centimeter, then it does cause problem, a lot of problems. It can go into torsion, अपने एक्सेस पे रोटेट कर सकता है, इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है उस टाइम पे, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेराटोमा. इट कैन गो इंटू रप्चर, इट कैन देर कैन बी इंटरनल हेमरेज ऑल्सो. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैपन विद द टेराटोमास. Now, malignant transformation is also one of the complications, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, but the chances are very less, less than 1%. Now, कब ये तो I have already told you, कब operate करना है, if it is more than 4 centimeter, 5 centimeter, कब operate नहीं करना है, if it's a very small teratoma, like 1, 2 or 3 centimeter, then at that time we can leave it as such. किस तरीके से operate करना है और क्या surgery होगी? Mostly we do laparoscopy. हम लोग laparoscopically contents of teratoma को remove करते हैं. We make sure that we do it after removing the teratoma.
वी पुट इट इन द बैग देन वी एम्प्टी द टेराटोमा. जब वो स्क्वीज हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, देन वी ब्रिंग इट आउट थ्रू वन ऑफ द पोर्ट्स. थोड़ा सा पोर्ट एनलार्ज भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सॉलिड कॉम्पोनेंट्स, बट दैट इज वॉट वी यूजली डू. वी डू नॉट रिमूव द ओवरीज. हम ओवरीज को नहीं रिमूव करते हैं. इट्स नॉट इंडिकेटेड इन अ टेराटोमा. टेराटोमा में सिर्फ सिस्ट को रिमूव किया जाता है, ओवरी को छोड़ दिया जाता है. बट ऑब्वियसली जो ओवरी का हिस्सा टेराटोमा से चिपका हुआ था और हमने इस टेराटोमा को स्ट्रिप ऑफ किया है ओवरी से, इस सर्फेस के जो भी एग्स होंगे दे आर गोइंग टू गेट सैक्रिफाइस्ड इन द प्रोसेस. सो फर्टिलिटी पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पेशली इफ इट्स अ बायलेटरल ओवेरियन टेराटोमा. देन मैंने क्यों बोला दैट वी रिमूव द सिस्ट एंड देन वी पुट इट इन अ बैग एंड देन वी एम्प्टी द कॉन्टेंट्स, बिकॉज इन केस अगर एक्सीडेंटल प्रिकिंग हो जाती है, एक्सीडेंटल रप्चर हो जाता है, तो द कंटेंट इज वेरी मच इंफ्लेमेटरी. जो ओवेरियन टेराटोमा का कंटेंट होता है लैप्रोस्कोपी में, इफ इट गेट्स स्पिल्ड देन इट कैन कॉज पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन, इंफ्लेमेशन वहां पर वो कर सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी रिमूव इट in the form of a wall and mask he remove karte hain, and we make sure that none of the components of the teratoma is spilled. Some people get confused with the regular ovarian surgeries for cancer ki usse koi cancer to nahi ho jayega. So no, it's not going to cause cancer, it's just going to cause the peritonitis. Now that is called as the granulomatous peritonitis. Then about fertility, post surgery the fertility is going to reduce a little bit, but it is not going to be hampered completely. And post-operative period में laparoscopy करवाने के बाद कोई भी patient second day अपने घर पे जा सकता है. And that is the most important thing about the laparoscopy. Open surgery कब करनी है? If it is more than 10 to 15 centimeter in size, then there are chances that it may be malignant. And MRI करवा करके we have to rule out कि कहीं कोई lymph nodes वगैरह तो नहीं है. In that case, yes, definitely we have to go for the open surgery, and we might have to remove the ovary as well in case if we are expecting it to be malignant and opposite side की ovary की biopsy हम लोग लेते हैं. Otherwise, in all the cases, we remove just the ovarian cyst. Ovarian cystectomy करते हैं, laparoscopically करते हैं, and the patient, they go back home the very next day and they are pretty good when they come for follow-up after 5 days or so. So I hope I answered all the questions regarding the teratoma. In case if you have more questions, feel free to put them in the question in the comment box and we would love to answer them. And for having more such videos, do subscribe to our channel and like the video. Thank you.